मंडी वल्लभ महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया का दौर समाप्त हो गया और 1 जुलाई से कॉलेज में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ये जानकारी वल्लभ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने दी। वल्लभ महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया का दौर समाप्त हो गया है। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया पूरी की गई और अंतिम दिन आर्ट्स की खाली सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया अमल में लाई गई। इस बार फर्स्ट ईयर के लिए जो फॉर्म सबमिट करने की डेट थी वो थी 25 जून, पर कल जो हमें आदेश सरकार से मिले हैं, यूनिवर्सिटी से मिले हैं, उसके मुताबिक जो बच्चे छूट गए हैं उनको एक मौका दिया गया है कि वो आज 30 तारीख तक नई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और आज यदि वो मेरिट में आ जाते हैं, यदि हमारे पास सीट्स खाली हैं, तो उनकी काउंसलिंग करके आज ही उनको फीस जमा करवानी पड़ेगी। तो उन बच्चों को भी आज कंसीडर किया जा रहा है, जहाँ जहाँ फैकल्टीज में हमारी सीट्स बच गई हैं और स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको कंसीडर करके जितनी हमारे पास सीट्स डिफरेंट फैकल्टीज में बची है, हमारा आज हमने 5 बजे तक अपना सारा एक काउंसलिंग का प्रोसेस जो है ख़त्म करना है। प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी और तीनों फैकल्टीज के लिए टाइम टेबल बन चुका है और ये डिस्प्ले कर दिया जाएगा। डॉक्टर अशोक अवस्थी ने बताया कि पहले 2-3 दिन नए छात्रों को रूसा के क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाएगी। टाइम टेबल की बात है, टाइम टेबल हमारा बन चुका है तीनों फैकल्टीज का और वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि कल से ही हमारी क्लासेस सुचारू रूप से चलें और पहले 2-3 दिन ये कोशिश की जाएगी कि जो हमारे नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनको बताया जाए कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है अंडर रूसा, और इस बार जो HP यूनिवर्सिटी ने जो UGC गाइडलाइंस के अंतर्गत जो नया पाठ्यक्रम जो अडॉप्ट किया है उसके बारे में बच्चों को 2-3 दिन बताया जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नियमितीकरण की मांग को लेकर बुधवार को सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन मंडी जिला सचिव सुमित्रा ने कहा कि ये रोष प्रदर्शन यूनियन की 4 मांगों को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और हेल्पर्स को रेगुलर किया जाए और जब तक सरकार आंगनबाड़ी और हेल्पर्स को नियमित नहीं करती है तब तक हरियाणा की तर्ज पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को 7,500 और 4,000 हेल्पर्स को दिया जाए और इसकी पेंशन भी दी जाए। बंद करो, बंद करो। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन मंडी जिला सचिव सुमित्रा ने कहा कि पिछले 2 साल से NRHM का पैसा जो नहीं मिल रहा है उसका भी भुगतान किए जाने की बात कही। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलर किया जाए और जब तक आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलर नहीं करती है सरकार तब तक हरियाणा के तर्ज पर 7,500 वर्कर को और 4,000 हेल्पर को दिया जाए और पेंशन दी जाए और जो NHRM का पैसा जो हमारा 2 साल से नहीं मिल रहा है उसका भुगतान भी जल्दी किया जाए। अगर सरकार इस भुगतान को जल्दी नहीं करती है तो हमारे जो धरने हैं 11 को हमारे जिले पर 11 जुलाई को हमारे जिले पर धरना होगा, जो काला दिवस मनाया जाएगा उसमें हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले जलाएंगे और हमारा इसके बाद जो है हमारा 2 सितंबर की पूरे देश में हड़ताल होगी और 28 सितंबर को हमारा हिमाचल में विधानसभा का घेराव होगा। अगर सरकार इसको नहीं मानेगी तो हम अपने सिटू के बैनर तले से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम इस संघर्ष को तेज करेंगे और सरकार को अपनी मांगों को लेकर सरकार की समक्ष रखेंगे, या सरकार नहीं मानेगी हम संघर्ष को तेज करेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।